हाल है आपका न्यूज एट 9 के इस बुलेटिन में आप देख रहे हैं VSN की ये खास बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज तक की कुछ अहम और ताजा तरीन खबरें। मुख्यमंत्री सहायता निधि में मनपा कर्मचारी संगठन ने दी धनराशि। गाड़गीनगर पुलिस ने पकड़ा 50,000 का प्रतिबंधित गुटखा। पत्रकारों को दिया जाए बीमा कवच पालक मंत्री। विधा संगठन ने किया विकलांगों की सामग्री का वितरण। आप देख सकते हैं कि नासिक से 6-7 युवक निकले हैं इलाहाबाद के लिए और पैदल है ये सब। ना इनके पास खाने की कोई सामग्री है, ना पीने के लिए पानी है। जहाँ भी इनको प्रशासन या कोई व्यक्ति इनकी मदद कर देता है, ये उसी के सहारे आज अमरावती में पहुँचे हैं। अमरावती के ITI कॉलेज के पास में हम देख सकते हैं पुलिस भी उनकी मदद कर रही है। और हम जो सेवा कर रहे हैं निफास फाउंडेशन के तहत, हमने भी उनको पूछा आपको खाना वगैरह कुछ चाहिए क्या। पुलिस भी उनको सपोर्ट कर रही है। पुलिस उनके नाम ले रही है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमारे साथ एक मेजर है, वो उनके नाम ले रहे हैं और उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं पानी वगैरह की। और ये यहाँ से पैदल ही इलाहाबाद जाने वाले हैं। मैं VSN न्यूज़ के लिए सईद खान अमरावती से। कहाँ से आ रहे भैया तुम लोग? नासिक से आ रहा था। कहाँ से? नासिक से। कितने लोग हैं? 7 आदमी। तो कितने कब निकले थे वहाँ से? 11 तारीख निकले थे। 11 तारीख को निकले थे। और कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद जा रहे हो? सब इलाहाबाद के रहने वाले? जैसा कि आप देख सकते हैं एक पुलिस कांस्टेबल है, ये इन बच्चों की मदद कर रहे हैं। इन्हें किस तरह से यहाँ से अमरावती से इलाहाबाद जाने के लिए रास्ता रूट लगेगा, उसके लिए ये एक बायकायदा उनको नक्शा बना के दे रहे हैं कि ये इसी मार्ग से अपने वतन तक जाए और इसी रास्ते को फॉलो करते हुए जाए। ये सब युवा है आप देख सकते हैं, और इनकी हालत अभी जो है एकदम ये घबराए हुए लग रहे हैं। फिर भी अपने घर वालों से मिलने के लिए ये बेचैन है। वहाँ पे नासिक काम करता था रोली में साहब। अच्छा, उराले में ही तो सुन, वो कंपनी अभी बंद है, बंद तो बंद हो गई साहब कंपनी, क्या करें। ठीक है, पहले बनाने का पूरा दूर दे पर फोन, रास्ते में कोई कुछ दे देगा खाएंगे, उधर भी बैठना ही था साहब, इसीलिए निकल आए। निकल गया साहब, क्या करें। यहाँ पर तो कुछ सहारा भी मिल रहा है, वहाँ तो रहने की खड़ा होने का सहारा नहीं। पूरा जोर दे। ठीक है। ऑल इंडिया कौमी तंजीम अपंग सेल अमरावती द्वारा अपंगों के हित में जो आवाज़ें उठाई जा रही थी, उसका असर प्रशासन पर पड़ा है। और कुछ जो मंत्री है उनके ज़रिए, जो हमारे यहाँ के लोकल के आमदार है उनके ज़रिए हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है पेपरों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम, न्यूज़ पेपरों के माध्यम से, कि जल्द ही अपंगों के लिए, दिव्यांगों के लिए जो निराधार राशि जो उनको मिलती है हर माह की, वो उन्हें दी जाएंगी। और साथ ही जो हमने आज से दो दिन पहले अपंग पुनर्वसन जो 5% निधि होती है महानगर पालिका में, उसके लिए भी हमने माननीय आयुक्त साहब महानगर पालिका से इनसे भेंट की है। तो उस संदर्भ में भी हमारे यहाँ के आमदार के ज़रिए हमें पता चला है कि वो भी शीघ्र ही हमें उपलब्ध कराई जाएगी। और यहाँ के हमारे लोकल के जो जनप्रतिनिधि है, जिन्होंने हमारी आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाया है और इस संदर्भ में इस माध्यम से हमारी उन्होंने मदद की है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं ऑल इंडिया कौमी तंजीम अपंग सेल की तरफ से। और हम ये ऐसी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हमें हमारा अधिकार मिले, हमारा हक मिले। धन्यवाद। थोडस जास्त अजून आपल्याला काळजी घेऊन तुम्ही तुमच्या लेवलवर
प्रत्येक जितकं जास्त सीडब्ल्यूसीशी तुम्ही कनेक्ट राहू शकाल तेवढा नक्की राहावा अशी विनंती आहे तुम्हाला. पण तुम्ही जर महत्वाचा मुद्दा आपण उपस्थित केला तसं त्यापुढे अजून जास्त चांगल्या पद्धतीने सर आपण या सगळ्या गोष्टीमध्ये लक्ष दिलं पाहिजे याची आम्ही खबरदारी घेऊ शकतो. जे काही बालगृह असेल अधिक कोणते योजना असेल ते आपण तपासून घेतलं प्रत्येक जितक जास्त सीडब्ल्यूसीशी तुम्ही कनेक्ट राहू शकाल तेवढा नक्की राहावा अशी विनंती आहे तुम्हाला. पब्लिकीच्या बाबतीतला काही बऱ्याच लोकांना प्रश्न असतो कारण अनेक पत्रकारांनी मला जे प्रश्न विचारले त्या अनुषंगानेच मी आम्ही आज हा FB लाईव्ह घेतो, फेसबुक लाईव्ह घेतो. तबलीगीच्या बाबतीत मी आज गृहमंत्र्यांशी पूर्ण खात्री करून आता या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो की 100% जे काही तबलीगी जमातीचे जी काही मंडळी दिल्लीला गेले होते आणि त्याचा जो काही आकडा दिल्ली सरकारने कळवलेला आहे 100% ते क्वारंटाईन पण झाले, टेस्टिंग झाल्यात आणि त्यातले 50 लोक हे पॉझिटिव्ह आढळलेले आहेत. त्यामुळे 1450 आढळलेले आहेत, बाकी सगळे निगेटिव्ह आहेत. आणि त्यामुळं आता तोही जो प्रश्न वारंवार मीडियाला सुद्धा आणि सन्माननीय सर्वच जनतेला पडलेला असतो तर तो या त्याही प्रश्नावर आता जवळजवळ पडदा पडलेला यासाठी आहे की त्या जे आपल्याला आकडा कळवलेला तो सगळा त्या ठिकाणी पूर्ण झालेला आहे. मी शेवटी एवढंच सांगेन फार आधी बोलून वेळ घेण्यापेक्षा की लॉकडाऊन हा आता वाढलेला आहे. आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की 20 तारखे ती 3 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवलेला आहे, परंतु 20 तारखेच्या नंतर बऱ्याच त्यामध्ये आपण मैं PPF गवर्नमेंट अकाउंट से चेक भरने आया क्लियरिंग के अदर बैंक के, उसमें भी अंदर नहीं जान दे रहे, बोलते लाइन में लगो. मैं कोई पैसे निकाल नहीं रहा ना डाल रहा अकाउंट में चेक भरने के PPF के गवर्नमेंट अकाउंट. ओके सर, आपको और कौन सी डिफिकल्टी जा रही है कि आपको कांटेक्ट नहीं हो रहा है ब्रांच से? नहीं, ब्रांच से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बाहर कोई साहब का फोन नंबर नहीं है. ओके ओके, कॉन्टेक्ट करेंगे. और यहाँ पर सर दिगर जो Thank you.